प्लेटफॉर्म 2 पे रोका जाएगा क्योंकि पीछे से अमृत ये आप देख रहे हैं अमरपाली एक्सप्रेस का जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल रिकीज रेल स्ट्रीम में। आज इस वीडियो में हम आपको लेके आए हैं राजपुरा रेलवे स्टेशन पे। राजपुरा रेलवे स्टेशन जो कि पंजाब का पहला जंक्शन रेलवे स्टेशन भी आप कह सकते हैं, ये एक गेटवे रेलवे स्टेशन है। जब ट्रेन हरियाणा साइड से पंजाब में एंटर करती है तो पहला रेलवे स्टेशन आता है शंभू, जहाँ हमने पिछले वीडियो में कवर भी किया था, किसान आंदोलन लगा था वहाँ पर। और उसके बाद ये पहला रेलवे स्टेशन आता है पंजाब का, गेटवे रेलवे स्टेशन, जिसका नाम है राजपुरा। ये एक डबल लाइन जंक्शन है और ये दिल्ली अंबाला लाइन पे लाया करता है। राजपुरा मेन स्टेशन है, काफ़ी ट्रेन्स यहाँ पे रुकती हैं। और जंक्शन रेलवे स्टेशन ये इसलिए क्योंकि यहाँ से एक ब्रांच लाइन निकलती है बठिंडा के लिए, तो राजपुरा बठिंडा लाइन इसी रेलवे स्टेशन से ओरिजिनेट होती है वाया पटियाला धूरी बरनाला। उस रेलवे लाइन पर काफ़ी ट्रेन्स भी चलती हैं, जैसे कि हरिद्वार गंगानगर इंटरसिटी एक्सप्रेस, दिल्ली फाजिलका इंटरसिटी एक्सप्रेस, मुंबई अमृतसर एक्सप्रेस और कुछ वीकली और पैसेंजर ट्रेन्स भी चलती हैं। ज़्यादातर ये वाला जो कॉरिडोर है ये फ्राइट वर्किंग के लिए यूज़ होता है। तो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं राजपुरा रेलवे स्टेशन। अभी हम राजपुरा रेलवे स्टेशन के आउटर पर खड़े हैं, आपको यहाँ से एक दो ट्रेन्स दिखाते हैं। अभी आपने जो दो ट्रेन्स देखी, एक थी फ्राइट ट्रेन जो कि टुवर्ड्स अंबाला जा रही थी और दूसरी थी अंबाला नंगल डैम MEMU लोकल ट्रेन जो कि राजपुरा पे स्टॉप लेगी। सामने राजपुरा का रेलवे स्टेशन, ये आप जो रेलवे लाइन देख रहे हैं ये है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। ये ईस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर का पार्ट है जो कि लुधियाना से कोलकाता तक चलता है। अगर राजपुरा रेलवे स्टेशन की फैसिलिटीज़ के बारे में बात करें तो राजपुरा रेलवे स्टेशन में आपको आई थिंक 3 प्लेटफॉर्म मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपको बाहर कार फैसिलिटी और बाइक पार्किंग फैसिलिटी भी मिल जाएगी। और यहाँ पे मेन जो ट्रेन्स हैं इस रूट पे चलते हैं, जैसे शताब्दी एक्सप्रेस होगी या फिर मोस्ट ऑफ़ द इंटरसिटी ट्रेन्स, पैसेंजर ट्रेन्स तो रुकती ही हैं। पूरा रेलवे स्टेशन का बस स्टैंड है बिल्कुल ही रेलवे स्टेशन के ऑपोजिट, तो बस फैसिलिटी आपको मिल जाएगी यहाँ से रेलवे स्टेशन से बाहर निकलोगे जब। सामने देख रहे हैं राजपुरा रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 और ये इंटरसिटी एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है इस रेलवे स्टेशन के ऊपर। और ये रेलवे स्टेशन के बिल्कुल ऑपोजिट आप देख रहे हैं पार्किंग। टाइम पे ये पार्किंग बिल्कुल रेलवे स्टेशन के साथ होती थी। इसका रीज़न ये है कि जो फ्राइट कॉरिडोर है उसकी वर्किंग के लिए रेलवे लाइन बनानी थी, तो पार्किंग को डिस्प्लेस करके उसकी जगह फ्राइट कॉरिडोर की लाइन बिछाई गई है।
और पहले राजपुरा रेलवे स्टेशन के अंदर जो एंट्री थी वो बिल्कुल साथ ही साथ होती थी कि आप पार्किंग से निकले और स्टेशन के अंदर एंटर कर गए। तो दोस्तों ये देखो हम इस साइड से आए हैं, ये है रेलवे स्टेशन राजपुरा का और ये एरिया पहले पार्किंग होता था और बिल्कुल साथ में आप देख रहे हैं राजपुरा रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग। लेकिन अब ये जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर की लाइन देख रहे हैं आप, इसकी वजह से पार्किंग जो है वो डिस्प्लेस कर दी गई है। ट्रैक 12 फ्राइट ट्रेन को लेके जा रहा है। राजपुरा के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से सबसे पहले आपको अंबाला साइड का रेलवे स्टेशन दिखाते हैं राजपुरा का। तो आपको राइट साइड पर दिख रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 1 और लेफ्ट साइड पर दिख रहा है प्लेटफॉर्म 2 और 3। मिडल में आपको दिख रही है एक मालगाड़ी खड़ी हुई है, नंबर 3 से आप देख रहे हैं मालगाड़ी गुजरती हुई। तो ये है प्लेटफॉर्म 1, 2 एंड 3 राजपुरा रेलवे स्टेशन के। लूप लाइन प्लेटफॉर्म नंबर 1 के साथ है, प्लेटफॉर्म 2 के साथ है और प्लेटफॉर्म 3 के साथ है लूप लाइन, और एक और लूप लाइन भी देख रहे हो आप मालगाड़ी के लेफ्ट साइड पे। यहाँ आप देख रहे हैं लुधियाना साइड का राजपुरा रेलवे स्टेशन, अब की तरफ लुधियाना रेलवे स्टेशन है। सबसे पहले सरहंद जंक्शन रेलवे स्टेशन आएगा, जहाँ से लाइन डाइवर्ट होगी नंगल डैम के लिए। उसके बाद सानेवाल जंक्शन आएगा, जहाँ पे लाइन मर्ज होएगी जो समराला से आ रही है, और उसके बाद लुधियाना जंक्शन। तो राजपुरा जंक्शन से लेफ्ट की बात करें तो लाइन डाइवर्ट हुई है पटियाला के लिए, उसके बाद धूरी, बरनाला और बठिंडा। दोनों लाइन्स की ट्रेन हम कवर करेंगे आज इस ब्लॉक के अंदर। अभी आपको लेफ्ट साइड पे दिख रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 1, सामने आप देख रहे हैं राजपुरा का बस स्टैंड और ये आप देख रहे हैं रेलवे ब्रिज जो कि कनेक्टेड है बस स्टैंड के साथ। नीचे फ्राइट कॉरिडोर की रेलवे लाइन जिसको कि दोनों साइड से कवर किया गया है क्योंकि यहाँ से फ्राइट ट्रेन्स नॉन स्टॉप निकलती हैं। और इस साइड आ गया हम राजपुरा रेलवे स्टेशन के ऊपर। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अनाउंसमेंट हो चुकी है श्री गंगानगर अंबाला एक्सप्रेस की। तो राजपुरा रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग प्लेटफॉर्म 1, मेन लाइन से एक कंटेनर स्पेशल ट्रेन निकलती हुई। थ्रू का सिग्नल मिला हुआ है कंटेनर ट्रेन को। राजपुरा रेलवे स्टेशन की जो टाउन लाइन है उससे निकल रही है ये ट्रेन और विदाउट रुके ये ट्रेन राजपुरा रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है, ट्रेन एक्सेलरेट कर चुकी है। या तो हम
प्लेटफॉर्म के दूसरे एंड पे जाएं जहाँ पे हमें ट्रैक्स का क्लियर व्यू आ सके, क्योंकि बीच में मालगाड़ी रुकी हुई है और गंगानगर पैसेंजर डिपार्चर ले रही है। साफ सफाई का ध्यान रखा गया है राजपुरा रेलवे स्टेशन पे, बहुत क्लीन रेलवे स्टेशन है। बाकी पैसेंजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टेशन को कितना क्लीन रखते हैं, नहीं तो डस्टबिन अगर आप देखें तो ब्रिज के ऊपर भी था और ये आप सामने देखो यहाँ पे भी रखा हुआ है एक डस्टबिन। वाटर कूलर फैसिलिटीज़ देख रहे हो आप सामने लगे हुए हैं। जब तक अगली ट्रेन आती है हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 से पीते हैं चाय। दोस्तों फ्राइट कॉरिडोर से मालगाड़ी निकल रही है। आई थिंक ये फ्राइट कॉरिडोर भी डबल लाइन फ्राइट कॉरिडोर बन रहा है। ये आप देख रहे हैं अमरपाली एक्सप्रेस का अराइवल, कटिहार अमृतसर अमरपाली। तो आपने देखा राजपुरा रेलवे स्टेशन को स्किप करते हुए फ्राइट ट्रेन निकल चुकी है, कटिहार अमृतसर अमरपाली एक्सप्रेस राजपुरा रेलवे स्टेशन पे। अब पीते हैं स्टेशन की चाय, वही टेस्ट। कटिहार अमृतसर जस्ट निकली है और विद इन 2-3 मिनट सिग्नल फिर से येलो हो गया मेन लाइन का। येलो इसलिए क्योंकि कटिहार अमृतसर अभी ज़्यादा आगे नहीं पहुंची होगी और मेन लाइन पे आप देख सकते हैं एक ट्रेन आ रही है। सूबेदारगंज उधमपुर एक्सप्रेस, ट्रेन को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है आगे और ट्रेन आप देख रहे हैं एक्सेलरेट कर रही है। कि जब से LHB हुई हैं ट्रेन्स तब से जनरल बोगी का कंसेप्ट ऑलमोस्ट ख़त्म होता जा रहा है। एक ट्रेन में 4 जनरल कोच होते थे, 2 आगे 2 पीछे। अब कई बार तो सिंगल सिंगल लगा होता है और कई बार आगे होता ही नहीं, एक ही साइड लगा होता है। 2, 7, 5, 5, 9, 10, Amritsar, Sachkhand Express, via Sirhind Junction, Ludhiana Junction, Jalandhar City। तो जिस ट्रेन के भी आप अनाउंसमेंट सुन रहे हो ये दोपहर को 3:30 बजे यहाँ पहुँचनी चाहिए, या फिर हाँ 3:30 बजे पहुँचनी चाहिए यहाँ पे। लेकिन अभी तो सुबह के 7:45 हैं, तो मैंने अभी एप्लीकेशन ऑनलाइन चेक किया कि ये ट्रेन लेट चल रही है क्या, तो मैंने को पता लगा कि ये ट्रेन 15.5 घंटे लेट चल रही है, सचखंड एक्सप्रेस। खाता हूँ आउटपोस्ट रेलवे पुलिस राजपुरा, ये आप जो जगह देख रहे हैं यहीं से हमने एंट्री की थी सामने बाइक पार्किंग, और यही यूज़ हो रही है पैसेंजर्स के पिकअप और ड्रॉप के लिए, क्योंकि यहाँ से आपको कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं चढ़ना पड़ेगा, जस्ट यहाँ पे आपको ड्रॉप करेंगे और आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पहुँच गए। 15.5 घंटे लेट सचखंड एक्सप्रेस, गाज़ियाबाद के लोकोमोटिव के साथ।
पहला डब्बा पार्सल वैन, उसके बाद जनरल कोच, एक ही जनरल कोच है, फर्स्ट क्लास का एक डब्बा, नॉन एसी स्लीपर डब्बे देखते हैं इसके अंदर कितने होंगे। उनको लगता नहीं 6 से ज़्यादा होंगे, बाकी देख लेते हैं। ये लास्ट स्लीपर कोच है, इसका नंबर है S6। तो LHB का ये नुकसान है, आपने देखा आगे और पीछे सिर्फ एक एक जनरल कोच लगा हुआ है और सिर्फ 6 नॉन एसी स्लीपर है। Attention, please. दोस्तों फ्लाइट कॉरिडोर से कौन ट्रेन निकलती हुई 07 8 जम्मू तवी पुणे झेलम एक्सप्रेस वाया पानीपत जंक्शन न्यू दिल्ली ग्वालियर झांसी जंक्शन भोपाल जंक्शन इटारसी जंक्शन चालीसगांव जंक्शन इज अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2। अब दोस्तों आप देखो जो फ्राइट कॉरिडोर है उससे ट्रेन बिना रुके निकल गई और ये ट्रेन अभी तक राजपुरा रेलवे स्टेशन पे खड़ी है, क्लियर सिग्नल की वेट कर रही है। तो इसलिए फ्राइट कॉरिडोर डेवलप होने बहुत जरूरी है और वो कम से कम 80-90 की स्पीड से निकली है। एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रही है, जम्मू तवी से चली है वाया पठानकोट जलंधर लुधियाना अम्बाला न्यू दिल्ली पुणे, इसकी डेस्टिनेशन है। और ICF कोचिज हैं सारी, आप देख सकते हैं WEB4 इंजन लगा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस ट्रेन को लूप लाइन पे ही लगाया जाएगा, प्लेटफॉर्म 2 पे रोका जाएगा, क्योंकि पीछे से अमृतसर शताब्दी भी आ रही है जो कि अमृतसर से सुबह 5 बजे चली है, न्यू दिल्ली उसकी डेस्टिनेशन है। तो वो साधुगढ़ क्रॉस कर गई थी, अब देखते हैं कि झेलम एक्सप्रेस जो है उसको यहाँ पर रोके रखते हैं शताब्दी के ओवरटेक के लिए या झेलम को निकाल दे सॉरी पुणे को एक्सप्रेस को निकाल देते हैं। अभी तक हमने सिर्फ एक ही ट्रेन देखी है जो कि इस स्टेशन पर नहीं रुकी थी, वो थी सूबेदारगंज उधमपुर एक्सप्रेस। इसके बाद 2 ट्रेन्स ऐसी और आएंगी जो इस स्टेशन पर नहीं रुकेंगी, जो कि है शताब्दी एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस। बाकी ऑलमोस्ट सारी ट्रेन्स यहाँ पर रुक रही हैं। आगे मुझे स्पीड लिमिट का बोर्ड दिख रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। देखो आखिरी के 3 डब्बे जर्नल हैं, आखिरी का तो चलो गार्ड का वैन होता है उसके साथ थोड़ा सा जर्नल अटैच होता है फिजिकली डिसेबल लोगों के लिए, बट ये 2 डब्बे पूरे जर्नल के दिए गए हैं जो कि LHB होने के बाद ख़त्म कर दिए गए हैं। और इसमें अगर नॉन एसी स्लीपर ट्रेन की बात करें तो नॉन एसी स्लीपर कोच इसमें 10 लगे हुए हैं टोटल, जो कि अपने सचखंड में देखे 6 थे। और ये मालगाड़ी, मुझको लग रहा है हमारी पूरी रेल फैनिंग इस स्टेशन पे ख़त्म हो जाएगी और मालगाड़ी ये तब तक यहीं खड़ी रहेगी। शताब्दी सरहंद साइड से आती हुई अपनी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड पे ₹110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकली है। अम्बाला साइड से एक नॉन स्टॉप ट्रेन, देखते हैं कौन सी है। सुपर फास्ट डॉक्टर अम्बेडकर नगर
इधर कटरा। ये ब्यूटी है राजपुरा रेलवे स्टेशन की, आपको बहुत ज़्यादा ट्रेन्स देखने को मिलती हैं यहाँ पे, और सुबह का टाइम है तो काफ़ी ट्रेन्स का अराइवल एंड डिपार्चर भी हम कैप्चर कर रहे हैं। अभी हमारी मेन ट्रेन आनी है वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि न्यू दिल्ली से 6 बजे चली है, 8 बजे अम्बाला से निकल चुकी है और अभी थोड़ी देर में यहाँ से निकलेगी। चल इंजन लगे हुए हैं, आगे वाला WDP 4 है, पीछे वाला WDG 4 है शायद। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ली जा रही है, शिट, अगर ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ली जा रही है इसका मतलब वंदे भारत एक्सप्रेस हमारी रह गई, क्योंकि वो मेन लाइन से निकलेगी, हमें थोड़ा सा आगे और जाना पड़ेगा। इसी साइड से फाजिलका दिल्ली एक्सप्रेस भी आ रही है, इसी के पीछे होगी। फाजिलका से सुबह चलती है 2:30 बजे, बठिंडा पहुंचती है सुबह 5 बजे, उसके बाद वाया बरनाला धूरी पटियाला। राजपुरा का टाइम 8:10 का था, अभी तक नहीं आई, 20 मिनट डिले चल रही है, और दिल्ली ये पहुंचेगी दोपहर के 12:30-1 बजे। तो इसके बाद इसी लाइन से फाजिलका दिल्ली एक्सप्रेस भी कवर करेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए सिग्नल ग्रीन कर दिए गए हैं, और जो हमारी फाजिलका दिल्ली है वो भी राजपुरा आउटर पे आके खड़ी हो चुकी है। फाजिलका दिल्ली को अभी प्लेटफॉर्म पे नहीं लेके जा सकता, क्योंकि फाजिलका दिल्ली जब आएगी इस साइड से तो उसको पूरा ये प्लेटफॉर्म्स क्रॉस करके प्लेटफॉर्म नंबर 2 या 3 पे लेके जाया जाएगा, लेकिन उसकी वजह से फिर अप एंड डाउन की जो मेन लाइन्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी। इसलिए यहाँ पर अभी आपको वंदे भारत जब तक निकलती नहीं है तब तक फाजिलका दिल्ली को आउटर पे ही रोका जाएगा। तो कवर करते हैं अगली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस। तो जो पटियाला साइड से आप देख रहे हैं रेलवे लाइन आ रही है, वो या तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 को मिलेगी या 2 को मिलेगी, या उसके बीच की जो मेन लाइंस हैं, बट प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे कभी भी नहीं आ सकती ट्रेन जो पटियाला साइड से आ रही है, क्योंकि जो लाइन कनेक्टिविटी है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 के साथ है ही नहीं। ट्रेन का नाम है न्यू दिल्ली वैष्णो देवी वंदे भारत एक्सप्रेस, सुबह 6 बजे चली है न्यू दिल्ली से, 8 बजे अम्बाला, 9:30 इसका स्टॉपेज होगा लुधियाना पे। जैसे ही वंदे भारत निकली प्लेटफॉर्म नंबर 1 से मालगाड़ी को निकाल दिया गया। लुधियाना साइड से एक वैगनाइन विजिबल हो रहा है, और अभी मुझे यहाँ पे जो ट्रैक्स हैं इनकी भी आवाज़ आई चेंज होते, तो अपनी मालगाड़ी को सिग्नल मिल चुका है फाइनली।
कुरुक्षेत्र पानीपत सोनीपत प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। धन्यवाद यात्रीगण, कृपया करके ध्यान दें। 3, 4, 5, 0, 8 पाजल का डेली एक्सप्रेस आ रही। धन्यवाद। यह है मुंबई अमृतसर एक्सप्रेस, इसको जिस रूट पे जाना है उसी रूट से फाजिलका दिल्ली एक्सप्रेस आ रही है, तो अब इसको वेट करना पड़ेगा। जब तक फाजिलका दिल्ली एक्सप्रेस नहीं आती पटियाला साइड से, तब तक इस ट्रेन को पटियाला साइड नहीं भेजा जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया था आपको कि LHB ट्रेन है ये, कोई भी जनरल कोच आपको आगे नहीं दिख रहा। जनरेटर वैन के बाद अगला डब्बा AC का है। जिस रूट से ये निकलती है वो है राजपुरा के बाद पटियाला, धूरी, मलेरकोटला, उसके बाद लुधियाना। तो ब्रांच लाइन सेक्शन है और नॉन AC कोच की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। सारे डब्बे फुल, 2 नॉन AC स्लीपर हैं इसमें और 2 AC चेयर कार लगी हुई हैं। दोस्तों ये था आज का व्लॉग। राजपुरा रेलवे स्टेशन की हमने कवरेज की, आपको बताया राजपुरा रेलवे स्टेशन के बारे में, गेटवे रेलवे स्टेशन पंजाब का। और फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं इस रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड बिल्कुल बाहर है, ऑटो रिक्शा, कैब, पार्किंग सब आपको यहाँ मिल जाएंगी। रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं रेलवे स्टेशन के बाहर। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।